Okay students, let's start the second part of the first lesson of the book's poem, which is composed by Robert Frost. And in the first part of the poem, I have dictated about the title, The Dust of Snow. And the second one is related to the title with Fire and Ice. And as I have told all of you that Robert Frost is the 20th century's poet, and when he went to compose any piece of poetry, he dictated his idea with a logical manner without making any focusing about superstitions and rest of other. And being the part and parcel of the 20th century, and 20th century I mean to say the scientific era, in the person is an intellectual persona, he or she always think or thought about the revolution, execution, and the reality about the life, and don't care about the superstition and rest of it. जैसा कि मैंने आपको तो बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं सदी के एक ऐसे कवि हैं जो वैज्ञानिक तरीके से सोचते रहते हैं. हाँ, ये बात और है कि उन्होंने जो कविताएँ लिखी हैं, ये कविता जो आपका पोएम आपके यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है फायर एंड आइस, अगर इसका शाब्दिक अर्थ किया जाए तो आग और बर्फ दोनों एक कवि का, हालांकि किसी भी कविता का जो वास्तविक मोटो होता है एक्चुअली क्या होगा यह तो केवल वह कवि ही जानता हो, और बाकी जो आलोचक होते हैं, टीचर होते हैं, वो तो केवल एक कयास लगा सकते हैं या उसके इमेज को या उसके सेंस को समझते हैं, तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने की केवल कोशिश मात्र कर सकते हैं. लेकिन वो जो कविता जिस भाव भंगिमा में, जिस संग्रह में, जिस आलेख में लिखी गई, यह बात तो केवल वह कवि ही तय कर सकता है एक्चुअल उसका इंटेंसिफिकेशन क्या था उस कविता को रचने. फिर भी हम कोशिश करेंगे. सबसे पहले कविता शुरू करने से पहले हम देखेंगे, आप लोग यूट्यूब पे बहुत से मिलेंगे, आपको इसके डिटेशन भी मिलेंगे, बट आई वुड लाइक टू द गो एंड टाइम टू एक्सप्लेन दिस पोएम विद द हेल्प ऑफ इंडियन मिथोलॉजी एंड इंडियन कल्चर एंड सीनरी. कविता लेखक पोएट के द्वारा लिखी गई है, हालांकि जो उनके दिमाग में, लेकिन एक बात सही है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व और थॉट प्रोसेस हर जगह सही हो सकता है, लेकिन जो दर्शन है, दर्शन का कलीमा बदल सकता है, लेकिन उसका भाव गलत होएगा. चलिए समय में व्यस्त कर देंगे. फायर एंड आइस, अगर इसका सामान्य अर्थ लिखा जाए तो आग और बर्फ, और ये दोनों जो है मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल वर्ड, मेटाफोरिकल मतलब ये जो लिखे गए हैं, ये जो शब्द हैं, ये आग और बर्फ एक सिंबल के तौर पर लिखे गए. जहाँ तक आग की बात, आप जानते हैं कि आग का सबसे बड़ा धर्म है जलाना. आग क्या करती है? जलाना. हमें आग से एक चीज सीखनी चाहिए, आग कभी भी अपने धर्म को छोड़ती नहीं, मतलब आग जलाएगी ही जलाएगी, चाहे वो जहाँ भी, वो अपने गुण को छोड़ती नहीं. क्योंकि यहाँ पर जो इमेज प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर लोग और आलोचक और क्रिटिक जो इसका मतलब निकालते हैं, वो सिंबॉलिक फायर का मतलब लिखा गया है डिजायर और पैशन, इच्छाएं, सेंसुअसनेस, और आइस का मतलब लिखा गया है एट एनिमी, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, तंद्रा. ये दो तरीके की, ये दो चीज़ें हैं जो सिंपल के तौर पर रखी गई. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे इमेज प्रतीक के रूप में लिया है और कहा है कि दुनिया अगर भस्म हो सकती है, अगर सृष्टि का विनाश हो सकता है, तो इन्हीं दो विचारों से हो सकता है. जैसे क्या बात करें, आप आग, आग कई तरह के देखे करते हैं, दावाग, जठराग, कामाग, ये जो तीन अग्नि है बहुत ही खतरनाक है, जो इंसान को दावाग क्रोध की जो अग्नि होती है, जठराग भूख की जो अग्नि होती है, कामाग शरीर है तन या काम का जो सुख होता है, इसकी जो तपिश होती है, इससे कोई इंसान बच नहीं सकता अगर कोई इंसान है. क्योंकि यहाँ पर डिजायर और ये तीनों चीज़ें जो दावाग कमाग ये जो चीज़ें हैं, ये सारी एनर्जी अगर मनोविज्ञान की दृष्टि में देखा जाए तो सेंसुअसनेस, डिजायर्स, इच्छाएं, कहते हैं इंसान इच्छाओं का दास है, जो अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर ही, वशीभूत होकर ही कई नकारात्मक निर्णय लेते या अनौचित्यपूर्ण निर्णय लेता है, जो मानवीयता के लिए या स्वयं उसके लिए सही नहीं होता. यही दो कारण है जो सृष्टि का या व्यक्ति के खुद के विनाश का कारण है. ये जो दो मनोविकार है, विराट और इच्छा,
इच्छा आता से स्वस्थ डिजायर भी जब इच्छाएं जब इंसान अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है वो भोग विलास में पड़ता है। तो ये भोग विलास की जो चीज़ें हैं वो इंसान को पतन की ओर ले जाती है, चाहे उसके स्व का हो, चाहे उसके समाज का हो, चाहे उसके राष्ट्र का हो, चाहे उसके देश का हो, चाहे उसके चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड। अगर मान लो किसी ने जो प्रतिक्रिया अभिविक्रिया जुड़ी हुई है तो ये किसी भी सृष्टि के विकास विनाश का कारण बन सकता है। तो कभी यहाँ पर इसी चीज़ को इसी सिंबल को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये दुनिया अगर समाप्त हो सकती है तो महाप्रस्थान एक रचना है डॉक्टर नामिया श्याम सुंदर दास का। अगर महाप्रस्थान में आप पढ़ेंगे तो महाप्रस्थान तो श्याम सुंदर दास का एक ऐसी रचना इसके लास्ट में इसके डॉक्टर श्याम सुंदर दास के इसके कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर तो महाप्रस्थान एक ऐसी रचना है जिसमें महाभारत का उत्तरार्ध जीत जाते हैं तो पता है कि स्वर्गागमन के लिए स्वर्ग की ओर जा स्वर्गारोहण सशरीर स्वर्ग की ओर जा। तो आप जब देखोगे कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं आपको उसको बात भी कर सुना। स्वर्गारोहण में क्या था कि जब वो पांचों पांडव और द्रौपदी और एक कुत्ता ये सब मिलकर स्वर्ग की ओर बढ़ते वर्ग से होते, लेकिन जब आप स्वर्गारोहण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पांचों पांडव द्रौपदी और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्वशरीर स्वर्ग में पहुँच सिवाय युधिष्ठिर और उसे कुत्ते उसके पीछे गए, बाकी सभी लोग उसी और उसी जो वर्ग उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी में नष्ट हो जाते हैं, उसी में मर जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो वर्ग है वो सिंबल है, वहाँ प्रस्थान जो कभी लिखते हैं वो सिंबल है। और क्यों धर्मराज युधिष्ठिर और कुत्ते को छोड़कर बाकी सब उसी वर्ग में नष्ट हो जाते हैं, उसका कारण था डिजायर या आइस वेक्टर झगड़ा। कहीं ना कहीं द्रौपदी हो भीम हो नकुल हो सहदेव हो ये सब कहीं ना कहीं इस चीज से वो जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो सशरीर स्वर्ग को नहीं पहुंच पाते हैं और उनका अस्तित्व विनष्ट हो जाता है उनकी इसी दिशा के कारण। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो लावा फास्ट अपने जिंदगी में समझाने की कोशिश करें तो मैं आपको सिद्धांत पर उसमें बताने की कोशिश करूँ। चलिए उससे पहले मैं कविता का पोएम का रिविजन करता हूँ, पोएम रीड करता हूँ, लाइन बाई लाइन आप उसे किताब में पढ़ेंगे देखेंगे सब लोग लाइन बाई लाइन में दिखाएंगे ऐसा कि आप देख रहे हैं। सम से द वर्ल्ड में इन इन आई सम से इन आईज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड दोस टू फेवर आई बट इफ इट हैड टू पेरिस बाइस आई थिंक आई नो इन अ पॉकेट to say that for destruction eyes is also great and would suffice। ये कविता आपको छोटी सी कविता छोटी है इसका मतलब बहुत बड़ा है, जो आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ये समझ पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप इसके सर्फेस को समझिएगा फिर उसके बाद इसके मूल को समझिएगा। यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि दुनिया दो तरीके से नष्ट हो सकती है, ये संसार का समाप्तिकरण या ये संसार दो तरीके से एंड हो सकता है समाप्त हो सकता है, चाहे उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें चाहे उसको मानव दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं सबसे दैट सबसे तो वर्ल्ड में एंड आई कुछ लोग करते हैं जो कुछ लोग इसे साइंटिस्ट हो सकते हैं थिंकर हो सकते हैं फिलासफर हो सकते हैं विचारक हो सकते हैं, कुछ करते हैं दुनिया जो है वो समाप्त होगी अग्नि हमारे यहाँ चुकी जल पापा शरीर है इंसान मरता है तो हमारे जलाता है हमारे शरीर का जो निर्माण है वो अग्नि और राख और पानी पहले जलाया जाता है फिर राख और पानी को मिलाया जाता है फिर चालू सही प्रक्रिया समय माना जाता है कि हमारा जो निर्माण हुआ है उस प्राकृतिक तत्वों से। तो जब भारत के भूगोल को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि धरती का जो निर्माण है वो कोई धरती पहले क्या थी उसका पहले सूर्य से टूटे हुए टुकड़े के रूप और वो शुक्र शुक्र के बाद जीवन का संचार होता है तमाम चीज़ें। तो जो कविता है कई चीजों को लेकर हम आपको भी देखते हैं इसको सबसे कुछ करते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि ये जो दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी अग्नि अग्नि अर्थात डिजायर पैसा। तो अगर व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा लोभता हो लालच हो उत्सुकता हो काम हो वासना हो तंद्रा हो काम ये सब चीजें जो मानवीय संक्रियाएं हैं जो मानव विकास के लिए मानव के आंतरिक विकास में बाधा का कारण बनते हैं वही उसके अंग का भी कारण। तो अगर इच्छा अगर इंसान इच्छाओं को त्यागेगा नहीं
स्नान अंदर क्रोध ईर्ष्या हीन स्नान पापाचार अनाचार ऐसा जन्म लेते रहे। जब तक ये जन्म लेते रहे हर व्यक्ति के अंदर जन्म लेगा तो वे एक दूसरे से द्वंद द्वंद करेगा क्या हो विनाश तो सृष्टि का नष्ट होना तय। इसीलिए किसी विचारक से पूछा गया था क्या बताए दूसरा विश्व कब होगा तो विचारक बड़ी मुस्कुरा कर कहते तीसरे का तो पता नहीं लेकिन मैं चौथा बता सकता हूँ। तब उन्होंने पूछा कि बताइए चौथा किसके बीच होगा क्या चौथा पत्थरों के बीच ऐसा क्यों कहा क्यों क्योंकि अगर तीसरा विश्व होगा तो कोई बचेगा ही नहीं विनाश की ऐसी का लीला होगी जिसमें मानवता बचेगी नहीं तो पत्थर ही तो बचेगा कोई कहेगा इतनी बड़ी बात कोई बात सबसे द वर्ल्ड यू एम टू फायर कि जो ये दुनिया है ये समाप्त हो जाएगी किसमें अग्नि आग है सबसे रिलैक्स और कुछ लोग करते हैं वक्त समाप्त है भिड़ा और दोनों ही समाप्त होकर के मानव चाहे वो दो इच्छाओं का दास चाहे वो घृणाओं का दास तो नफरत और वासना ये दोनों ही इंसान को मृत्यु की कगार की ओर ले जाती है विनाश की ओर तो कुछ करते हैं आग में खत्म होगी और कुछ करते हैं दुनिया वक्त आग में खत्म होगा अगर व्यक्ति वासना को छोड़ेगा नहीं मरेगा मरेगा और समाप्त होगा और अगर घृणा करना नहीं छोड़ेगा तो घृणा भी एक दूसरे के विवाह का कारण बनेगी दुनिया एक दोनों को समाप्त होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर फ्रॉम व्हाट आई हैव जहाँ तक मेरी बात जहाँ तक मैंने टेस्टेड ऑफ डिजायर मैंने घृणा को देखा डिजायर मतलब पैसन इच्छाओं को देखा जहाँ तक मैंने दुनिया में लोगों को इच्छाओं के लिए पागल होते हुए देखा हमारी एक कामना पूरी होती नहीं दूसरे की इच्छा हमारे सामने दुबा कर खड़ी हो और हम उसे पाने की कोशिश करते किसी भी कीमत सत्ता का सुख जैसे चुनाव समाप्त हुआ सत्ता का सुख और सुख सत्ता का हो लोग का हो या उम्र का हो देश का हो जागरूकता का किसी भी प्रकार का अगर वो मोह है अगर वो पैसन है अगर वो लुटता है तो मतलब बेस्ट है जो कि मैंने देखा है जाना है आई वो व्यवस्था है तो मैं उनके साथ मैं उनके पक्ष में जो फेवर जो पक्ष रखते हैं किसका आग कि दुनिया किसमें समाप्त होगी आग आग अर्थात काम में लुटता में इच्छा में देश में कंदरा में दान में इस तरीके तो मैं मानता हूँ तो मैं उनकी तरफ से मानता हूँ कि दुनिया कैसे समाप्त होगी आग आग अर्थात अर्थात इंसान वो होगा तुम्हारा योग लालसा इच्छा को त्यागेगा नहीं तो फिर वो आपस नहीं होकर मर मैं जब तक जैसे जैसी मैंने दुनिया देखी है दुनिया में मैंने देखा है कि किस जीत है तो मैं भी मानता हूँ मैं भी उनके प्रयोग में दुनिया इस समाप्त हो तो पहले ऑस्ट्रेलिया में कभी गया दूसरा बट इफ इट इज हैड टू पेरिश ट्वाइस कहते अगर मान लीजिए बच गए अगर कुछ लोग इससे बच जाते हैं इसमें समाप्त हो जाते हैं इससे बच गए इसमें समाप्त बट इफ हैड टू ट्वाइस मान लीजिए अगर बच गई है दोबारा नष्ट कर ली अगर दुनिया दोबारा से अगर कुछ बच गई तो चलो दोबारा से कैसे बर्बाद हो सकती Twice, I think I know enough of that. I think I know enough of that. मैं मानता हूँ इससे कहीं ज्यादा जो मैं जानता हूँ वो काफी पर्याप्त होगा किसके का घृणा के अगर मान लीजिए कुछ इच्छा से बच गया तो कुछ घृणा क्या करे तुमने ले लीजिए इस दुनिया को नष्ट करने के लिए चाहे महाभारत देख लीजिए चाहे हमारी लीजिए बाकी बाकी चाहे इतिहास उठा कर देख लीजिए कितनी भी बड़ी से बड़ी सल्तनत राष्ट्र के विकास में राज्य के विकास में स्व के विकास में सत्ता के विकास में सब प्रयोगता में उनका प्रवस्थित बचा नहीं कुरुक्षेत्र का मैदान जो रहना था खून से करीब का मैदान जो रहना था खून से तो कई ऐसे युद्ध हुए और युद्ध किसी भी शांति का प्रतीक नहीं हो सकता वो हमेशा विनाश का कारण है। तो वही कह रहे हैं घृणा आई थिंक आई नो इनफ ऑफ दैट मैं मानता हूँ तो दोबारा ये दुनिया पेरिश बर्बाद हो नष्ट हो उसका कारण क्या हो घृणा नफरत और कुछ नहीं एंड टू से दैट आर डिस्ट्रक्शन एंड टू से दैट आर डिस्ट्रक्शन इसको मैं कह सकता हूँ कि यही है जो क्या करे डिस्ट्रक्शन डिमोलिशन यही है जो बाकी की बच्चे का वो घृणा से क्या हो गया नष्ट हो गया इज ऑल्सो ग्रेट ये भी महान महान मतलब क्या है आइस और फायर अगर अगर आग नष्ट कर सकती है तो वर्ण भी क्या कर सकती है विनष्ट कर सकती है दुनिया का अंत कर सकती है एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट टू बी महान एंड फुल सफाइस पर्याप्त वर्ण भी क्या पर्याप्त है इस दुनिया को नष्ट कर
तुम्हारी जो काम करता है, तुम्हारा जो मोह है, जो माया है, अगर ये दुनिया को नष्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है, उस माया से जन्म लेने वाली जो हमारे मन में भीड़ा है, जितना पर द्वेष, ये भी दुनिया को क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। ये पदार्थ है दुनिया को बर्बाद कर दे। इस ममता के सेंस की एक कहते लेसन जो छुपा है, वो जो आपको रावण पास बताने की कोशिश कर रहे हैं। Keep safe, keep isolation, and we study about your lesson.